बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारी इकाई चल रही है, दूसरी सेकंड यूनिट चल रही है, और इसमें हम समस्या समाधान का जो संज्ञानात्मक प्रकार में है, संज्ञानात्मक प्रकार का जो लास्ट प्रकार है वह है समस्या समाधान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम समस्या समाधान के अंदर उनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। समस्या समाधान के गुण दिनांक आज हुई है 30 अच्छा फर्स्ट ईयर विषय अधिगम एवं शिक्षण प्रकरण रहेगा अपने समस्या समाधान के गुण, यानी हम अगर समस्या का समाधान निकालते हैं तो उसके क्या गुण है, उसके मतलब क्या लाभ है, तो उन गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित है कि यह उपागम छात्रों को भावी जीवन की समस्या को हल करने की प्रेरणा देता है। मतलब कि यह उपागम छात्रों को भावी जीवन की समस्याओं को हल करने की प्रेरणा देता है। यानी ये जो विधि है, जो ये प्रक्रिया है, तो आज के टाइम में सभी का ये समस्या है, सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है, उस समस्या को किस तरह से सॉल्व किया जाए, किस तरह से हल निकाला जाए, तो ये एक तरह से इसको मतलब की प्रेरणा देता है। ठीक है, दूसरा है यह उपक्रम छात्रों में विचार शक्ति और निर्णय शक्ति का विकास करता है। यानी यह उपागम छात्र में निर्णय शक्ति व विचार शक्ति का विकास करता है। यानी अगर किसी व्यक्ति किसी शिक्षार्थी के सामने अगर कोई समस्या है तो समस्या को सॉल्व करने के लिए तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और विचार, मतलब किसी समस्या के लिए विचार करना पड़ता है, तो इससे शिक्षार्थी के निर्णय शक्ति और विचार शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। जितना व्यक्ति अपने मस्तिष्क का उपयोग करेगा उतना ही उसकी निर्णय शक्ति में विकास होता है, उसकी विचार शक्ति में विकास होता है। इसके प्रयोग से छात्रों में संग्रह की प्रवृत्ति का विकास होता है। संग्रह की प्रवृत्ति का विकास होता है। छात्रों में बताए कि नए नए विचारधारा को संग्रह करना, नए नए कल्पनाओं को संग्रह करना, नए नए तथ्यों को संग्रह करना, तो ये तरह की नए नए ज्ञान को संग्रह करना, तो संग्रह की क्या है, प्रवृत्ति का विकास होता है। यह उपागम छात्रों में तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, यानी तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, उत्पन्न करना यानी यह उपागम तर्क द्वारा यानी जो भी प्रश्नों के उत्तर हम अगर देते हैं तो तर्क के द्वारा देता है, हम
कोई भी प्रश्न का अगर उत्तर देना चाहते हैं, अगर उसके साथ में तर्क न हो तो वो उस उत्तर को, उस प्रश्न को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इससे ये जो उपागम है, किसी समस्या का समाधान हम निकाल रहे हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निकाल रहे हैं, तो व्यक्ति और शिक्षार्थी के दिमाग में तार्किक दृष्टिकोण का विकास करता है और तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। ठीक है, छात्रों को मस्तिष्क इस उपागम द्वारा सक्रिय होकर सजग हो जाता है और ये समस्या का समाधान सरलता से कर लेता है। यानी छात्रों का मस्तिष्क सजग हो जाता है। यानी इस उपागम से व्यक्ति ध्यान से एकाग्र होकर कार्य करता है। एकाग्र का होने होकर कार्य करने से उसका मस्तिष्क क्या होता है, सजग हो जाता है, एकदम तत्पर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। छात्र इस उपागम से स्वयं निर्णय लेने के लगते हैं। छात्र इस उपागम से स्वयं निर्णय एक गुण पैदा हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है। यह उपागम स्वाध्याय का प्रशिक्षण देता है। स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन करना, स्वाध्याय का प्रशिक्षण देता है। आठवां है इस उपागम से छात्रों में वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करने की योग्यता का विकास होता है। छात्रों में वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करने की योग्यता का विकास। नौवां है यह उपागम कक्षा के वातावरण को क्रियाशील बनाता है। दसवां है ये वातावरण को क्या बनाता है, क्रियाशील बनाता है। यह उपागम छात्रों की रुचि को जागृत करता है। यह छात्र की रुचि को जागृत करता है। यानी छात्रों की रुचि को क्या करता है, जागृत करता है। यह उपकरण छात्र में स्वयं कार्य करने का आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। यानी यह छात्र में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। बारह यह उपागम छात्रों को समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक उपागमों के प्रयोग का अनुभव देता है। वैज्ञानिक अनुभवों का प्रदान करता है। यानी वैज्ञानिक उपागमों के
प्रयोग का अनुभव प्रदान करता है। तेरा है यह उपागम छात्र में विचारात्मक और सृजनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करता है, यानी विचारात्मक व सृजनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगला विषय लेके प्रस्तुत होंगे। ये थे समस्या समाधान के गुण, अब इसके क्या दोष भी, तो हम दोषों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे।